में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे निगम की प्रमुख हलचलों पर। मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर मुख्यमंत्री को 5 लाख राज्य पेंशनरों की लंबित मांगों का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को सौंपा ज्ञापन। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा, आपकी मांग जायज है, आपकी मांग को मैं सदन में उठाकर निराकरण करवाने का प्रयास करूंगा। समाज में सेवा के लिए मिसाल बन चुके समाज सेवी गोविंद काकानी ने अपने फाउंडेशन वन्य समाज सेवियों के सहयोग से एकत्रित की गई वस्तुओं सिविल सर्जन को सौंपी। सिविल सर्जन ने कहा, गोविंद जी की सेवाएं अनुकरणीय हैं। राष्ट्रीय रेबिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व रेबिस दिवस की थीम ब्रेकिंग रेबिस बाउंड्रीज निर्धारित करते हुए जिला प्रशिक्षण केंद्र बीराखेड़ी पर CHO एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर मुख्यमंत्री को 5 लाख राज्य पेंशनरों की लंबित मांगों का ध्यान आकर्षण ज्ञापन। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को रतलाम प्रवास दौरान गुलाब उद्यान ओल्ड कलेक्ट्रेट रतलाम में सौंपा ज्ञापन। पढ़ने पश्चात उपस्थित पेंशनरों को विधायक ने कहा कि आपकी मांगे जायज है, आप वृद्धावस्था में भी अपने हक की मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शासन को आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी न्यायोचित मांगों का समाधान शीघ्र करना चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को मैं रखूंगा और सदन के अंदर में प्रश्न भी हम लोग लगाएंगे कि भाई हमने इतने पत्र दिए हैं, इतने ज्ञापन आ रहे हैं लोगों के, लगातार हर जिले से आ रहे हैं ना, सब जगह हमारे कंट्रीब्यूटर करते हैं तो हर जगह से दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने इस पर क्या एक्शन लिया है? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे, क्या बाधा है? आपने जो मांगी है इसको हटवाने के लिए हम लोग 49 पुस्तक में 6/2000 का है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन, इस धारा को हटवाने के लिए मैं संसदीय कार्य मंत्री से सबसे जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, है ना। विधायक दूसरे बीजेपी कांग्रेस वाले इस विषय को उठाया, मैं उठाया, मैं तो उठाऊंगा, लेकिन हम लिखना अभी से चालू कर देंगे। संसदीय कार्य मंत्री में चिट्ठी लिखूंगा और हम लोग पढ़े लिखे आप लोग अच्छे से चिट्ठी लिखूंगा। मैं भी लव कानून पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसी चिट्ठी लिखूंगा कि चिट्ठी हर हाल में मंत्री की टेबल पर चली जाए। उच्च न्यायालय के निर्णय की बाध्यता समाप्त की जाए। जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों को नियुक्ति नियमित वेतन मान दिया जाए। समस्त शिक्षकों को अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति रेल किराए में रियायत दी जाए। छठवें व सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान किया जाए। ध्यान आकर्षण ज्ञापन देने के पूर्व गुलाब चक्कर में जोरदार नारेबाजी प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन प्रदर्शन में अध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष ML भट्ट, सचिव ML लगावत, महिला अध्यक्ष गीता राठौड़, सैलाना अध्यक्ष तोताराम डोडियार, बाजना अध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी आदि उपस्थित रहे। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा अनुसार श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की स्मृति में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सचिव व जिला रोगी कल्याण समिति सदस्य गोविंद काकानी ने समाज सेवियों की मदद से सिविल सर्जन ML सागर को विभिन्न सामग्रियां जिला चिकित्सालय के उपयोग हेतु प्रदान करी, जिसमें 4000 मास्क, लगभग 50 नए कपड़ों का सेट, 6 तकिए, 20 डायपर, 1 ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन, 12 टॉवेल, 12 चढ़िया, निराश्रित को प्रतिदिन लगने वाली सामग्री, तेल, मंजन, शैम्पू, साबुन एवं पुराने कपड़े आदि। सिविल सर्जन सागर ने जिला चिकित्सालय के सहयोग हेतु काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का धन्यवाद अर्पित करते हुए बताया कि अपने लिए तो हर कोई करता है, पर तो निराश्रित लोगों के लिए कार्य करना वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय कार्य है। समाज सेवी गोविंद काकानी ने बताया कि जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में प्रतिदिन निराश्रित लोगों के लिए अनेक सामग्री की आवश्यकताएं होती है, उसी की पूर्ति करने के लिए सामग्रियां प्रदान करने में सभी समाज सेवी संजीव काबरा मुंबई ने पिताजी स्वर्गीय मोहन लाल जी काबरा की स्मृति में सुभाष भटेवरा, गोपाल माहेश्वरी, नितिन पौराणिक, इंजीनियर रवि सक्सेना, दीपक डोसी, भावेश गुजराती एवं सुनीता काकानी का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ। निराश्रित एवं असहाय लोगों के लिए सहयोग करने पर अध्यक्ष माधव काकानी ने समन्वय परिवार, प्रभु प्रेमी संघ एवं काकानी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद अर्पित किया।
इस अवसर पर रोगी कल्याण समिति ऑफिस से सुशील शुक्ला, श्रीमती दया आचार्य, वार्ड बॉय गोलू आदि उपस्थित रहे। अभी ये सामान दिया है रोगी कल्याण समिति के जो सदस्य हैं हमारे माननीय काकानी जी, गोविंद सिंह काकानी जी, उन्होंने हमें ये सामान दिया है। हम उनको अस्पताल परिषद की तरफ से, पूरे अस्पताल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम इस अस्पताल की शोभा बढ़ा दी और जो मरीज आते हैं वो परेशान रहते हैं, लावारिस रहते हैं, इनके देख रेख में निश्चित तौर पर कमी रहती है, उनके परिजन नहीं रहते हैं कई कई बार, तो इससे हमारे स्टाफ को एक मनोबल मिलेगा और जो मरीज हैं उनकी सेवाओं में बेहतरी होगी, इसी बात को। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व रेबीज दिवस की थीम ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला प्रशिक्षण केंद्र विर्याखेड़ी पर CHO एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, किंतु समय पर टीकाकरण के माध्यम से इस बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है। कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िया और नेवला भारत में इस बीमारी के फैलाव के मुख्य जानवर है। भारत में 99% लोगों को रेबीज की बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज के शुरुआती लक्षण सर दर्द, फ्लू, थकावट, जिस जगह कुत्ते ने काटा है उस जगह पर झंझनाहट होना प्रमुख है। इस बीमारी से बचाव के लिए कुत्ते के पास जाने से बचे, इंतजार करें कि कुत्ता आपके पास आए और सूंघे। जब कोई कुत्ता आपके पास आए तो भागे नहीं बल्कि खड़े रहें। यदि कुत्ता आप पर हमला करे तो अपने सर और गर्दन को हाथों से बचाएं और एक ही स्थान पर गोल घूमकर खुद को बचाएं। कुत्ते के काटने पर तत्काल अस्पताल जाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। रेबीज के बचाव के लिए उन जानवरों से दूर रहना चाहिए जिसे रेबीज होने की आशंका हो। यदि कुत्ता अचानक काट ले तो ऐसी स्थिति में घाव को तुरंत पानी के नीचे कम से कम 15 मिनट साबुन से धोए। पानी से अच्छी तरह धोने और सूखने के बाद पोविडोन आयोडीन या एंटीसेप्टिक लगाए। डॉक्टर से मिले और तत्काल इम्यूनोग्लोबिन एंटी रेबीज शॉट का इंजेक्शन लगवाए। जहां तक संभव हो घाव पर टाके न लगवाए और एंटी रेबिस इंजेक्शन लगवाए। घाव पर मिर्च, मिट्टी, तेल, हल्दी पाउडर, चूना, नमक, पौधों का रस, जलने वाले पदार्थ बिल्कुल न लगाए। अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाए। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्मुखीकरण के दौरान CBMO डॉक्टर संध्या बैलसरे, DPM डॉक्टर अजहर अली, BE श्रीमती इशरत जहां, WHO के जिला समन्वयक अभिषेक चौरसिया, मीडिया अधिकारी आशीष चौरसिया, लोकेश वैष्णव एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुपरवाइजर तथा ANM आदि उपस्थित रहे। लोमड़ी ने काटा है या शियार ने काटा है या पागल कुत्ते ने काटा, बहुत लोगों मास लेवल पे बहुत लोगों को काटा, बहुत ज्यादा लोगों को ना, तो भी आपको क्या लगाना है, इम्यूनोग्लोबिन, उसकी आप तुरंत भेज दो। तो वो दो जगह लगता है, एक तो कमर में लगेगा और जहां जहां काटा वहां लगेगा, टेस्ट करके उसको टेस्ट करना पड़ता है। और अपना वो भी देता है कौन सा, ARV देना पड़ता उसी दिन, है ना। फिर अपन बार बार बुलाते, जो चार पांच बार जब बुलाना, पर वो लगाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, अगर नहीं लगाया तो वो रेबिट हो जाएगा और मर गया तो अपनी दिक्कत में आ जाएगी। इतलाम का पहला स्तन रोग क्लिनिक, यहाँ हर प्रकार के स्तन के रोग का इलाज होता है, जैसे स्तन गांठ की बायोप्सी, ऑपरेशन के बाद क्या एक्सरसाइज की जाए ये भी सिखाया जाता है। रतलाम में एक एकमात्र स्थान जहां महिला स्टाफ द्वारा डिजिटल एक्सरे मेमोग्राफी की जाती है। WHO द्वारा जारी सूचना में बताया है कि 40 वर्ष के बाद हर महिला को साल में एक बार स्तन के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे मेमोग्राफी करवाना चाहिए। WHO NCCN के दिशा निर्देशानुसार इलाज होता है। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मान्य, कीमोथेरेपी द्वारा इलाज की सुविधा। महिला स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर स्मिता शर्मा, पूर्व कार्यरत टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई द्वारा परामर्श। स्तन कैंसर के मरीज में स्तन बचाकर ऑपरेशन भी हो सकता है। जल्द से जल्द स्टेज एक में पता लगने पर 90 से ज्यादा मरीज की जान बचाई जा सकती है। लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233G वन रीजन 3 Zone 1 लॉयंस क्लब रतलाम समर्पण रीजन जोन सद्भावना यात्रा आयोजित की गई। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मेलविन जॉन एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। राष्ट्रगान ध्वजा वंदना एवं डिस्ट्रिक्ट गान DC लॉयर सुनीता सखी द्वारा किया गया। क्लब के इस वर्ष का प्रोजेक्ट जल एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिथियों का तुलसी के पौधे, लगे हुए गमले व श्रीफल भेंट किए गए और दुपट्टा पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया।
स्वागत उद्बोधन में अध्यक्ष लॉयंस अनीता झालीवाल ने कहा, क्लब समर्पण समर्पित भाव से सेवा करने वाली महिलाओं का सशक्त समूह है। क्लब के 2024-2025 के सिग्नेचर प्रोजेक्ट जल संरक्षण और क्लब द्वारा की गई विभिन्न सेवा गतिविधियों से सदन को अवगत करवाया और कहा कि सभी गतिविधियां क्लब के साथियों के सहयोग से की जाती है। प्रतिवेदन सचिव लॉयंस सविता तिवारी ने प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष रिपोर्ट लॉयन विनीता नागौरे द्वारा प्रस्तुत की। इस अवसर पर क्लब द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी भेंट की गई। पेटलावाद से पधारे रीजन चेयरपर्सन का परिचय एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी लॉयन प्रेमलता दवे ने प्रस्तुत किया। रीजन चेयरपर्सन लॉयन प्रभोज जी मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्लब में क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स मान्य रखते हैं। उन्होंने समर्पण क्लब की सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए समर्पण क्लब को रीजन का सर्वश्रेष्ठ क्लब घोषित किया तथा क्लब को राशि के रूप में 5100 रुपए भेंट कर सम्मानित किया। अधिकारी के रूप में क्लब की सद्भावना यात्रा पर पधारी है, साथ ही डायनामिक रीजन चेयरपर्सन लायन प्रबोध जी मोदी भी हमारे मार्गदर्शन हेतु उपस्थित है। लायंस क्लब समर्पण समर्पित सेवा भाव से कार्य करने वाली महिला का एक सशक्त समूह है जो डिस्ट्रिक्ट में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हम सत्र के प्रारंभ से ही विभिन्न सेवा गतियों को अंजाम दे रहे हैं। इस वर्ष हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट जल संरक्षण है। इसके अंतर्गत हम कई स्कूल 12 स्कूलों के छात्र छात्राओं को जल के अपव्यय को रोकने हेतु एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया है उन्हें और जल का महत्व समझाकर पौधा लगवाकर उनकी देखभाल हेतु संकल्पित किया। समाज का हर वर्ग शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकृतियों की धाराओं में घिरकर रोगों से लड़ पड़ जाता है। यह पीड़ा अधिवक्ताओं के जीवन को भी प्रभावित करती है। इस मुक्ति की ओर अधिवक्ताओं के लिए योग जीवन रूपांतरण के नींव मजबूत करेगा। यह बात वरिष्ठ समाज सेवी पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास ने अजंता पैलेस स्थित मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पतंजलि योग पीठ हरिद्वार जिला रतलाम द्वारा चल रहे 3 दिवसीय निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर समापन अवसर पर कही। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज नव युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश मनोहर जोशी सम्मिलित होकर कुशल योगाभ्यास किया। योग सर्व समाज के लिए जन अभियान बने। ईस और युवा जिला प्रभारी विशाल कुमार वर्मा, सोशल मीडिया प्रभारी नितेंद्र आचार्य, न्याय विभाग से धीरज राय, एडवोकेट विनोद माली ऑल आउट के प्रयासों से योग शिविर संपन्न हुआ। विशेष तौर पर युवा राज्य प्रभारी प्रेमा राम पुनिया द्वारा योग अभ्यास करवाया गया। पहले भी उपस्थित हुआ था, प्रयास रहेंगे कि हमारे पेंशनर्स जो रेलवे के हैं, मैंने बात की कि भाई 60 वाला तो सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता है, शाम को 5 बजे जरूर आ सकता है। तो समझ दी है कि आप 5 बजे रखें उनके लिए, तो हम प्रयास करेंगे कि वे भी इसमें 2-3 दिन का शिविर रखेंगे। और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं के लिए, ऐसे तो उनका रोज ही योग होता है, अब कोई कोर्ट में लिफ्ट सिस्टम तो है नहीं, हमें नहीं लगता कि होगा। सत्रह से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार शासकीय कला में विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वच्छता से होने वाले लाभ एवं स्वच्छता से संबंधित अन्य विषयों को अपनी तुलिकाओं से कागजों पर उठेर कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 2 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त अवसर पर सहायक यंत्री अनवर कुरेशी, सहायक वर्ग 3 राजेंद्र राठौर सहित IEC टीम उपस्थित रही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर मुख्यमंत्री को 5 लाख राज्य पेंशनरों की लंबित मांगों का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को सौंपा ज्ञापन। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा, आपकी मांग जायज है, आपकी मांग को मैं सदन में उठाकर निराकरण करवाने का प्रयास करूँगा।
समाज में सेवा के लिए मिसाल बन चुके समाज सेवी गोविंद काकानी ने अपने फाउंडेशन वन्य समाज सेवियों के सहयोग से एकत्रित की गई वस्तुओं सिविल सर्जन को सौंपी। सिविल सर्जन ने कहा, गोविंद जी की सेवाएं अनुकरणीय हैं। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व रेबीज दिवस की थीम ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज निर्धारित करते हुए जिला प्रशिक्षण केंद्र वीराखेड़ी पर CHO एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन।